ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। ठीक है, ओके। आपने कौन सी इंसर्ट की है? इंसर्ट जब आपने कॉलम के नेम एंटर किए, ठीक है। कॉलम नेम एंटर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इंसर्ट करेंगे, इंसर्टिंग डाटा इनटू अ स्पेसिफिक कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है। हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, लेकिन हम सभी कॉलम नेम नहीं देंगे, हम कुछ ही कॉलम नेम देंगे जिसमें हमें डाटा इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर नेम और मार्क्स, सिर्फ रोल नंबर नेम और मार्क्स में ही मुझे क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। और उसकी वैल्यूज़ मैंने दी, रोल नंबर की 4 दे दी है जैसे, और नेम आपने दिया है राधिका, और मार्क्स आपने दिया है 78। तो हम इसको रन करके देखते हैं, अगर आपको स्पेसिफाइड कॉलम में ही वैल्यूज़ एंटर करनी है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसक्यूएल विंडो है, मैं एक मिनट एसक्यूएल दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं सबसे पहले एक मिनट ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और मुझे क्या एंटर करना है, क्या क्या एंटर करना, किस किस में एंटर करना है, रोल नंबर में एंटर करना है रोल नंबर, ठीक है, और नेम में वैल्यूज़ देना चाहती हूँ मैं, और साथ में मैं देना चाहती हूँ जेंडर, मैं जेंडर में मुझे वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। रोल नंबर नेम और जेंडर मैंने दिया है, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ भी एंटर कर देते हैं इसके, वैल्यूज़ रोल नंबर मैंने दिया है 3, ओके, एंड नेम दिया है मैंने अनामिका, ओके, एंड वैल्यूज़ दी हैं, जेंडर दिया है फीमेल, ओके। इसको एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर उसने एक रो और इंसर्ट कर दी, ठीक है, जिसमें रोल नंबर 3 था, नेम अनामिका था, और जेंडर फीमेल था, और इसमें मैं मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, तो इंसर्टिंग नल वैल्यूज़, अब आपने एक स्पेसिफाइड कॉलम में वैल्यूज़ एंटर कर दी, अब इंसर्टिंग नल वैल्यूज़ इनटू अ टेबल, अब मुझे क्या करना है, नल वैल्यू एंटर करनी है टेबल में। तो नल वैल्यू इफ़ अ कॉलम इन अ रो हैज़ नो वैल्यू, अगर किसी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है देन कॉलम इज सेट टू बी नल, तो उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, नल। नल का मीनिंग जीरो नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर नल है, नल का मीनिंग जीरो नहीं है, नल का मीनिंग होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, ठीक है, बट जीरो नहीं बोल सकते हम नल को, ठीक है। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की आपके नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। तो जिसको भी आप प्राइमरी की मेंशन कर रहे हो वो नल नहीं हो सकती, अगर आपने नल स्पेसिफाई किया है तो वो प्राइमरी की नहीं बन सकती। तो इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम, अगर फिर भी आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, तो हम कैसे करते हैं, यू कैन टाइप नल विदाउट कोट्स, आपको कोट्स नहीं देना होता, सिर्फ आप क्या टाइप करते हो, नल टाइप कर देते हो, आपका कोई केस सेंसिटिव नहीं होता कि आपको कैपिटल में देना, स्मॉल में भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और आप इस तरीके से नल मेंशन कर देते हो। तो हम एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, रोल नंबर हमने दिया 4, नेम हमने दिया राधिका, ठीक है, और मार्क्स हम दे देते हैं 78, सॉरी यहाँ तो आपका जेंडर है ना, तो जेंडर हम दे देते हैं फीमेल, ठीक है, और बाकी हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं नल,
बाकी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, हो सकता है कि हमें उसके मार्क्स अभी तक अवेलेबल ना हुए हों, डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता, तो हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। ठीक है, तो बाद में हम वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। सेमी कोलन हमने डाल दिया, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये भी आपकी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने रोज़ तो इंसर्ट कर दी, लेकिन रोज़ इंसर्ट करने के बाद आप देखना चाहोगे कि आपकी जो वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं टेबल में वो किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, और वो हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कौन सी कमांड है, आगे आता है आपका SQL क्वेरी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपको रिट्रीव करना है जो आपने टेबल में इंसर्ट किया है डेटा, तो उसके लिए आपकी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स क्वेरी को प्रोसेस करना। क्या कह रहा है क्वेरी प्रोसेसिंग में, आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है, द टेबल इज़ क्रिएटेड, उसके बाद हम क्या करते हैं टेबल को क्रिएट करते हैं एंड द डेटा इज़ स्टोर्ड इन इट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं टेबल को, डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, फिर उसके बाद हम उसमें क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि अभी आपने किया इंसर्ट कमांड से। ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल, जब आप डेटा को इंसर्ट कर देते हैं, क्वेरी इज़ प्रोसेस्ड, क्वेरी को हम प्रोसेस करते हैं टू रिट्रीव द डेटा, उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल वी यूज सिलेक्ट कमांड, तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, जो आपने टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया, अब उस टेबल में से आपको डेटा इंसर्ट कर टेबल को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज़ करते हो, सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हो। तो SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू फेच डेटा फ्रॉम वन और मोर डेटा बेस टेबल्स। ठीक है, तो SQL की जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ की जाती है, कि आपके टेबल में से डेटा को फेच करने के लिए, यानी कि रिट्रीव करने के लिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक ही टेबल से डाटा आप रिट्रीव करवा सकते हो, एक डेटाबेस में वन टेबल, टू टेबल, फोर टेबल, फाइव टेबल, कितने भी टेबल्स हों, आप एक साथ सिलेक्ट स्टेटमेंट से सभी टेबल में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवा सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिट्रीव टपल्स। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, टू रिट्रीव टपल्स को रिट्रीव करने के लिए यूज़ की जाती है। टपल्स क्या होती हैं, आपके रोज़ होती हैं। ठीक है, आपकी रोज़ जो आपने डाटा इंसर्ट किया है उनको रिट्रीव करवाना है फ्रॉम अ रिलेशन, रिलेशन मीन्स टेबल, टेबल में से रिट्रीव करवाना है विद ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स, इसके सारे कॉलम से। ठीक है, जो टेबल एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, टपल मीन्स रोज, रिलेशन मीन्स टेबल, टेबल में जितने भी कॉलम हैं उनमें से टपल को रिट्रीव किया जाता है किसके थ्रू, सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो सिलेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, सिलेक्ट, फिर आपका कॉलम नेम, कॉलम नेम टू, कॉलम नेम को मैंने एंगुलर ब्रैकेट में दिया, इसका मीनिंग क्या है, ये कंपल्शन है कि आपको एक कॉलम तो देना ही देना है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, बाकी कॉलम आपकी मर्जी है, आप दो या ना दो। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम के बाद यहाँ सेमी कॉलन लगाएगा, आप प्लीज़ लगा लेना। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, सिलेक्ट रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, मीन्स जो भी आपको कॉलम रिट्रीव करवाने हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज़ आपको देखनी है, वो सारे के सारे कॉलम नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो एक वे ये है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे लेना होता है, लेकिन फिर भी आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। तो हम एक बार करके देखते हैं इसको, सिलेक्ट स्टेटमेंट को, सिलेक्ट, ठीक है, रोल नंबर, फिर है हमारे पास नेम, फिर है हमारे पास जेंडर, ठीक है, फिर मार्क्स, और फिर है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब करना है, सिलेक्ट, रोल नंबर, नेम, सब कुछ दे दिया हमने। फ्रॉम कहाँ से देखना है, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से देखना है। ठीक है, सेमी कोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, राज, दीप सिंह, अनामिका, राजेश, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड्स आपके एंटर हुए हुए हैं। ओके, मैंने शायद डबल पहले भी ये रिकॉर्ड्स थे इसमें, तो मैंने और भी रिकॉर्ड्स एंटर किए, तो वो मल्टीपल टाइम्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड आपका एंटर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अब क्या है, सिलेक्ट, आपने ये देखा है जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरीके से ले लिया। अब उसने क्या कहा, वी कैन ऑल्सो रिट्रीव द टपल्स ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम ओनली। ठीक है, वी कैन ऑल्सो रिट्रीव, हम
क्या कर सकते हैं, अभी मैंने क्या किया, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ सब दे दिया, लेकिन मुझे सभी एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, मुझे सिर्फ कोई कुछ ही देखने हैं, ठीक है। मुझे दो तीन ही एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज देखनी है, जैसे कि मुझे देखना है रोल नंबर और नेम ही देखना है, बस उन्हीं की वैल्यूज देखनी, मुझे बाकी सब नहीं देखना है। तो मैं कैसे लगाऊंगी, सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो हम इसको रन करके देखते हैं कैसे आता है आपके पास। सिलेक्ट, मुझे क्या क्या देखना है, रोल नंबर और नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, फिर आएगा सेमी कॉलन। तो सिर्फ रोल नंबर और नेम उसने हमें शो कर दिया, ठीक है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास, इफ़ यू वॉन्ट टू रिट्रीव ऑल द एट्रीब्यूट्स देन नो नीड टू स्पेसिफाई कॉलम नेम। अगर आपको पहले से ही पता है कि मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ही देखने हैं, सभी जितने भी मैंने कॉलम नेम बनाए हैं सभी कॉलम नेम को मुझे देखना है उसमें से, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप उनके कॉलम के नेम को स्पेसिफाई करो रिट्रीव करवाते हुए सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। जस्ट यूज़ एस्ट्रिक, सिर्फ हम क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम, कॉलम नेम मत यूज़ करो, हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एस्ट्रिक साइन। तो एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, ऑल, मीन्स आपको सभी देखना है, जैसे कि हम यूज़ कैसे करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, एस्ट्रिक हम किस लिए लगा रहे हैं, कॉलम नेम के लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए, ठीक है। रोज़ तो वो सारे के सारे ही दिखाएगा, रोज़ में भी आप स्पेसिफाइड रोज़ को देख सकते हैं, लेकिन एक क्लोज आता है आपके पास वेयर क्लोज, तो उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफाइड कॉलम देखने हैं फिर तो आप कॉलम के नेम जो जो आपको देखने हैं आप सिर्फ उनके नेम लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको पता है आपको सारे ही कॉलम नेम में वैल्यूज़ देखनी है, कुछ सभी कॉलम नेम की वैल्यूज़ देखनी है, तो आप एस्ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, आपको सभी कॉलम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ शो कर देगा। तो रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, देखो आपके पास सभी आ गया, ठीक है। तो इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए, इन क्वेरीज की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट, ओके।